हेलो एवरीवन, आप सभी का जसन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में गूगल कैलेंडर के जो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों को गूगल कैलेंडर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती किसके कितने फ़ायदे हैं। सिर्फ गूगल कैलेंडर को डेट देखने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल कैलेंडर के एक बहुत ही ख़ास फीचर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, गूगल कैलेंडर को कर लेते हैं ओपन। हमारा जो गूगल कैलेंडर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो आज है 15 तारीख है, 15 मई है, और आज 15 मई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे जो कैलेंडर में जो छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होते हैं, सब कुछ दिखाया गया है। कल 14 तारीख थी, यहाँ पर कल लिखा था रमजान ईद। तो यहाँ पर हॉलीडे भी गूगल कैलेंडर हमें बताता है। तो सबसे ख़ास फीचर की बात करेंगे दोस्तों इसमें। सबसे पहले किसमें सबसे ख़ास बात क्या है, किस कारण मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों बात करेंगे उसी फीचर के बारे में। तो दोस्तों सबसे ख़ास फीचर है इसमें इवेंट। आप इसमें कोई भी इवेंट ऐड कर सकते हैं और कभी भी सर्च करके उसको निकाल सकते हैं। साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसको आप कैसे ऐड करेंगे और उसका ऐड करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप आज के टाइम में आज कुछ काम कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको आप नोट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह आपको याद रहे जब आप उसको सर्च करना चाहें तो आपको मिल भी जाए कि आपने आज के दिन क्या किया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस के निशान पर जाना है और इवेंट का नाम लिख देना है। इसमें आपको लिखना है ऐड टाइटल। टाइटल में आप वही चीज़ लिखें जिसको आप यहां पर नोट करना चाहते हैं और याद रखने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। जैसे कि आज के दिन आपने क्या किया, आज के दिन आपने ऐसा कौन सा खास काम किया, किसी को पैसा उधार दिया, किसी से पैसा लिया या कोई ऐसा कार्य की शुरुआत की, कुछ भी अपना कार्य, आप कहां गए, आपकी आपने प्रेजेंट कहाँ पर किया, आप अपना डेली का जो प्रेजेंट होती है, हॉलीडेज होती है, वर्क होता है, अटेंडेंस होती है, बहुत सारी जो बातें हैं आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए गो टू डेली फॉर, जिसके लिए गए आप डेली वो लिख दीजिए, बैंक वर्क, तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो आज की डेट में हमने कार्य किया और हम याद रखना चाहते हैं कि हम कब वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ पर जाकर क्या किया, और फिल फॉर्म 2 नंबर। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन आपने वहाँ पर जाकर क्या कार्य किया यह भी आप इसमें नोट कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले आप चेक कर लीजिए, नीचे इवेंट लिखा हुआ है। इवेंट में आपकी ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको ईमेल के साथ अटैच करना होगा, तभी आपके जो सारे इवेंट हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होंगे, बिल्कुल सेव रहेंगे। आपका फ़ोन अगर गिर भी जाए, टूट जाए, तब भी आप इस ईमेल के ज़रिए अपने इवेंट को दूसरे फ़ोन में ईमेल जब लॉगिन करेंगे तो सारे आपके जो भी इवेंट हैं वो निकल कर आ जाएंगे, बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है दोस्तों कि आप अगर 2 साल के बाद भी इस एप्लीकेशन इस ईमेल को लॉगिन करोगे तो आपके द्वारा ऐड किए गए लॉग ये जो इवेंट हैं ये इसमें से ऐसे ही सेव रहेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे टाइम सेट कर सकते हैं और प्यूपल को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड प्यूपल, और लोकेशन भी आप डाल सकते हैं इसमें, और यहाँ पर अटैचमेंट भी आप दे सकते हैं, कुछ भी आप इसमें अटैचमेंट देना चाहें। तो यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेव कर दिया है हमने, 15 तारीख में हमारा आ चुका है, गो टू दिल्ली फॉर बैंक वर्क फिल फॉर्म 2 नंबर। तो अब यहाँ से इसको सर्च में जाइए ऊपर और यहाँ लिख दिए गो टू दिल्ली। तो देखिए दोस्तों हमने सर्च लिस्ट में डाला इसको और इसने सर्च करके हमारे सामने इसको शो कर दिया। तो यहाँ से देखिए कोई भी आपकी एंट्री हो, कोई भी आपकी नोटिफिकेशन हो, इस सब को आपके सामने सर्च लिस्ट में शो करेगा। तो इसका बहुत ही कमाल का यह फीचर है दोस्तों, इसको आप ज़रूर यूज कीजिए। और बहुत सारे फीचर और हैं इसमें दोस्तों, गोयल का है, आप गोयल कर सकते हैं। गोयल सुबह अगर आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उठकर, तो उसके लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर में आप अगर आप आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हैं कि आपको रिमाइंड हो जाए, आपको रिमाइंड हो जाए कि जैसे कि आप हर महीने आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, उससे पहले 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको अलर्ट कर दिया जाए कि आपका सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, तो पहले से ही आप उसका इंतज़ाम कर सकते हैं और टास्क भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे इसका सबसे जो अच्छा फीचर लगा दोस्तों वो यह है इवेंट का। इवेंट में आप इसको ऐड कर सकते हैं और बहुत ही ख़ास फीचर है दोस्तों, आप इसको ज़रूर यूज कीजिए। जो जो इसको यूज करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं इवेंट का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहेंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।